आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले रिबल स्टार प्रभास के ऐसे अननोन फैक्ट जो शायद ही आप लोग जानते होंगे। दरअसल ये अननोन फैक्ट तो मैं भी नहीं जानता था, सिर्फ इस वीडियो के लिए मैंने ये गूगल पर ढूंढा और मुझे ये अननोन फैक्ट मिले, तो ये आप लोग भी नहीं जानते होंगे, इसलिए हम आपको डिटेल में बताएंगे वो कौन कौन से अननोन फैक्ट है। वो सभी बताने से पहले इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दरअसल प्रभास होटल खोलने की ख्वाहिश रखने वाले थे लेकिन वो एक्टर बन गए। दरअसल माँ को छोड़कर सब चाहते थे कि प्रभास एक्टर बने, माँ चाहती थी वो कोई नौकरी न करे और खुश रहे, लेकिन फिर वही काली हुई बात, चाचा कृष्ण राजू तेलुगु इंडस्ट्री के बड़े एक्टर थे, ये वही चाचा जिनके लिए प्रभास ने चुनाव प्रचार किया था। ऐसा कहा जाता है कि प्रभास ने उन्हें भक्त कनप्पा नाम की फिल्म में देखकर ही तय किया कि वो एक्टर बनेंगे। एक दिन चाचा ने एक पिक्चर ऑफर की और प्रभास को बतौर लीड में साइन करना चाहते थे, इसलिए वो एक्टर बन गए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फैक्ट टू बताने प्रभास अननोन फैक्ट नंबर टू, दरअसल राजमौली ने पिला स्टारडम का पहला घूट। राजमौली ने ही प्रभास को पैन इंडिया स्टार बनाया। स्टारडम का पहला घूट भी राजमौली ने ही प्रभास को पिलाया था। प्रभास को वर्षम से लोग जानने लगे थे लेकिन तेलुगु इंडस्ट्री में स्टार उन्हें राजमौली की छत्रपति नहीं बनाया। इस फिल्म में उनके यूनिक स्टाइल और चार्म के दर्शकों ने पसंद किया। साथ में हर एक्टर को एक टाइटल देने का रिवाज है। प्रभास ने डार्लिंग नाम की एक फिल्म की, इसलिए उनके नाम के आगे डार्लिंग गाया जाने लगा। फिर उन्हें रेबल फिल्म की उन्हें यंग रेबल का टाइटल मिला। यंग रेबल इसलिए क्योंकि उनके चाचा को रेबल स्टार कहा जाता था। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फैक्ट नंबर थ्री जाने से प्रभास अननोन फैक्ट नंबर थ्री, अजय देवगन की फिल्म से किया बॉलीवुड में डेब्यू। बहुत लोगों को लगता है कि प्रभास की पहली हिंदी फिल्म साहो है, लेकिन उनकी पहली फिल्म अजय देवगन की एक्शन जैक्शन थी। उन्होंने फिल्म में कोई बड़ा रोल नहीं किया था। उनका फिल्म के गाने सूर्यास्त पंजाबी मस्त में एक छोटा सा कैमियो था, इसमें वो अजय देवगन और सोनाक्षी के साथ डांस करते दिखे थे। तो फैक्ट नंबर फोर जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। ऋतिक रोशन की एक ना की वजह से प्रभास आज पैन इंडिया सुपरस्टार है। दरअसल बाहुबली का पहला पार्ट 2015 में रिलीज हुआ था, पर इसकी तैयारी 4 साल पहले ही शुरू हो गई थी। पहले राजमौली ने इसके लिए ऋतिक रोशन को अप्रोच किया, उनके इनकार के बाद बाहुबली प्रभास के खाते में आई और उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई। इस फिल्म में उनके करियर का धज बदल दिया। उन्होंने इसके लिए मेहनत भी खूब की। अपने करियर के 4.5 साल एक ही फिल्म को देना वो छोटी बातें नहीं होती। इसके लिए उन्होंने अपने वजन में 30 किलो का इजाफा किया, इसे 115 किलो तक ले गए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाकी अननोन फैक्ट जानने के लिए पार्ट टू आप लोग देख लेना। पार्ट टू का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।